गुड आफ्टरनून गाइस, माय सेल्फ राज बर्नवाल। आइए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हर एग्जाम में आता है। कुछ रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हर एग्जाम में आता है, लेकिन खास तौर पे एसएससी पे ये रिपीट करते रहता है, ठीक है। हर एग्जाम में आता है लेकिन एसएससी पे बार बार रिपीट करता है, ठीक है। आइए कुछ देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। इस चैनल इस जो मैंने कहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आइए समझिए, ठीक है। टू एग्जामिन वंस वन ऑन थाउट, वंस थाउट्स एंड फीलिंग, वंस थाउट, यहां पर वंस दो बार नहीं, ठीक है। टू एग्जामिन वंस थाउट्स एंड फीलिंग मतलब अपने भाव की इच्छा, उसको कहते हैं क्या, इंट्रोस्पेक्शन करना, यानी हिंदी में उसको कहते हैं अंतकरण। टू एग्जामिन वंस थाउट्स एंड फीलिंग, इसका हिंदी हुआ अपने भाव की इच्छा करना, ठीक है। तो उसको कहते हैं अंतकरण, यानी इंग्लिश में याद करिए इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। देखिए आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए, ए शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट्स, कुछ व्यक्ति या घटना के बारे में छोटी और मनोरंजक कहानी को क्या कहते हैं, एनेक्डोट, यानी लघु कथा, एनेक्डोट यानी लघु कथा। एक शॉर्ट और यूजली अम्यूजिंग मतलब होता है मनोरंजक स्टोरी, जब कोई रियल पर्सन के बारे में कोई घटना हो चुका है या इवेंट होने की कंडीशन हो रियल पर्सन के बारे में या इवेंट के बारे में, तो वो कहते हैं एनेक्डोट यानी लघु कथा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी वाइफ, जो एक से ज़्यादा पत्नी रखता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलीगेमी, ध्यान रहे इसको कहेंगे पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुपत्नी, यानी बहुत सारा पत्नी रखने का जो कंडीशंस है उसको कहते हैं पॉलीगेमी, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, विमेन हु ऑफर्स द यूज देयर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स एट एनी वन हु विल पे फॉर दिस, इसका मतलब वो औरत जो पैसे के लिए देह बर्बाद करती है उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जो 10-15 जो भी मैं करवा रहा हूँ ये एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट ईयर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, टू कोच ट्रूप्स इट्स एक्ट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, युद्ध के लिए सैनिकों को भेजने के लिए तैयार करना है, युद्ध के लिए सैनिकों को भेजने के लिए तैयार करना है, सैनिकों को भेजने के लिए तैयार करना उसको कहते हैं डिप्लॉय करना, ठीक है। सैनिकों को भेजना को कहते हैं डिप्लॉय करना। टू कोच ट्रूप्स इट्स एक्ट्रा स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, युद्ध के लिए भेजना उसको कहते हैं डिप्लॉय करना, ठीक है। तो सैनिकों को भेजना का मतलब हो गया यहाँ पर डिप्लॉय करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, इसका मतलब था स्वेच्छा से छोड़ा गया धन, अपनी इच्छा से धन छोड़ दिया अपना, तो उसको कहेंगे स्वेच्छता यानी उपहार दे दिया यानी लीगेसी कर दिया, ठीक है। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल इसका मतलब हो गया स्वेच्छा से छोड़ा गया दान, स्वेच्छा से छोड़ा गया दान, आपने क्या किया डोनेशन कर दिया, इस प्रकार को क्या कहेंगे लीगेसी, लीगेसी यानी स्वेच्छता या उपहार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ए गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, अब एक ऐसा गवर्नमेंट जो डिक्टेटर के द्वारा चलता है, तो ऐसा तो बहुत सारा कंट्री तो है नहीं, 2-3 कंट्री का नाम मैं बताता हूँ, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना वगैरह हो गया, वहाँ ऑटोक्रेसी चलता है, तानाशाह के द्वारा संचालित सरकार को कहते हैं ऑटोक्रेसी, जिसमें सिर्फ उसी का शासन हो, ठीक है, ऑटोक्रेसी। जैसे कि मैं एग्जांपल आप लोग तो जानते ही हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, चाइना वगैरह, तो वो जो कंडीशन से ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट है, ठीक है, ए गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर, जो डिक्टेटर के द्वारा चलता है ऑटोक्रेसी यानी निरंकुश सरकार, निरंकुश सरकार या शासन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, वन हु डिस्पाइजेस पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजिशन, वह व्यक्ति या वह जो अपने से नीचे सामाजिक स्थिति वाले से घृणा करता है, वह जो अपने से छोटे वाले व्यक्ति यानी निम्न व्यक्ति के उसको क्या करता है, हमेशा हेटेड फील करता है, उसको क्या कहते हैं स्नोब, स्नोब यानी तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, ठीक है। हु डिस्पाइजेस, ठीक है,
तो यहाँ पर डिस्पाइसिस का मतलब याद रहेगा कि क्या रहेगा, घृणा करना, हैट्रेड नहीं, हैट्रेड भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर डिस्पाइसिस, ठीक है। चलिए, वन हु डिस्पाइसिस पर्सन ऑफ लोअर एंड सोशल पोजिशन। आइए, मेनिया फॉर ट्रेवल, मतलब हमेशा यात्रा का सनक सवार रहता है, यात्रा की धुन है, यात्रा की धुन या यात्रा की सनक, उसको कहते हैं ड्रोमोमेनिया, याद रहेगा ड्रोमोमेनिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, वस्तु को चुराने का जो सनक होता है उसको कहते हैं क्या, वस्तु चोर यानी क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल का नाम है टाइगर जीएस धनबाद। किन्हीं को ऑफलाइन कोचिंग करना हो तो आ सकते हैं। एस एस जी डी का जो बैच है वो 5/10/2023 से स्टार्ट होने, 5/12/2023 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसका टाइमिंग है जी डी का, अगर किन्हीं को आना है जी डी का स्पेशल बैच करने के लिए, फ्री है डेमो, पहले कोई पैसा वगैरह नहीं देना है, ठीक है। इसका डेट है 5/12/23, ठीक है। टाइम है 10 से 12 के बीच में, ठीक है, 10 से 12 जी डी स्पेशल, ठीक है। और कोई अगर चाहते हैं SBI क्लर्क स्पेशल तो वो भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।